जिनके इश्कबाजी का हर कोई है कायल, जिनकी एक्टिंग अगर फैंस ना देखें तो दिल में मचती है मिचमिची। शायद अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हियर आई एम आरती और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं इश्कबाज की अनिका यानी कि सुरभि चंदाना के बारे में। और आज हम आपको उनकी रियल लाइफ के बारे में बताएंगे। आपने अभी तक उन्हें इश्कबाज में इश्कबाजी करते हुए देखा होगा और हाल ही में आप उन्हें स्टार प्लस के शो संजीवनी में डॉक्टर ईशानी का रोल करते हुए देख रहे होंगे। चलिए फिर आज हम आपको उनके निजी जिंदगी के पहलू से रूबरू करवाते हैं। सुरभि चंदाना टीवीपुर की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर में प्रसिद्धि जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कबूल है में हया का रोल करते हुए प्राप्त किया, जिसके बाद वो स्टार चैनल के कई पॉपुलर शो जैसे कि इश्कबाज, दिल बोले ओबेरॉय और संजीवनी में वो नजर आए। तो वहीं उन्होंने टीवी के अलावा फिल्म बॉबी जासूस में भी काम किया। अब अगर बात करें उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो सुरभि चंदाना का जन्म 11 सितंबर 1989 को मुंबई शहर में हुआ। उनके पिताजी का नाम सीपी चंदाना और माता का नाम शशि चंदाना है। उनके पिता एक बिजनेसमैन है। इसी के साथ उनके परिवार में सुरभि की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम प्रणावी चंदाना है। सुरभि एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुकात रखती है जो कि उनके जन्म के बाद पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए। सुरभि हमेशा ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने मॉडलिंग और टीवी एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया। अगर अब नजर डालें उनके एजुकेशन पर तो आपको बता दें सुरभि चंदाना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त की है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के एक कॉलेज अर्थव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से पूरा किया है। चलिए अब एक नजर उनके करियर पर डालते हैं। सुरभि चंदाना अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन विज्ञापन और ब्रांड एडनोसमेंट के जरिए उन्होंने किया, जिसके बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में छोटे छोटे रोल निभाने का मौका भी मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के छोटे से रोल स्वीटी से की थी। टेलीविजन की दुनिया में छोटे छोटे रोल करने के बाद उन्हें साल 2014 में कबूल है में हया कुरेशी का एक महत्वपूर्ण किरदार करने का मौका मिला। कबूल है शो में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने स्टार प्लस के शो इश्कबाज में काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म बॉबी जासूस में डेब्यू भी किया। इश्कबाज में सुरभि चंदाना ने अनिका की भूमिका निभाई। इश्कबाज की सफलता के बाद चंदाना ने स्टार प्लस पर फराह खान के रियलिटी शो लिपसिंग बैटल के एपिसोड 6 में नजर आई। वो 2019 में सुरभि स्टार प्लस के शो संजीवनी में डॉक्टर का किरदार निभा रही है जिसमें उनके अपोजिट नमित खन्ना नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें अनिका यानी कि सुरभि चंदाना आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं और अगर अब उन इतनी पॉपुलर हैं तो सबकी नजर तो उन्हीं पर तो बनी ही रहेगी। ऐसे में किसी के रिलेशन की खबर कहाँ छुपी रहती है। भले ही सुरभि खुलकर अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बयां करती हूँ लेकिन उनके इंस्टाग्राम के पिक्चर काफी कुछ बयां करती हैं। इसी के साथ आपको बता दें सुरभि का नाम टीवी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार किया जाता है और आए दिन उनके वो अपने बोल्ड फोटोशूट करवाती रहती हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा बोल्ड और सेक्सी लगती हैं। असल जिंदगी में उनकी इमेज पर्दे पर निभा रहे किरदार फिर चाहे वो अनिका का हो या संजीवनी की इशानी का, उसमें एकदम हटकर नजर आती हैं अनिका अपने असल जिंदगी में। सुरभि हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहती हैं जिससे उनके पल पल की अपडेट उनके फैंस को मिलती रहती है और हाल ही में उन्होंने अपनी चाय पीती हुई तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो काफी ज्यादा कूल लग रही हैं और ऐसी ही ना जाने कितनी उम्दा तस्वीरें हमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखने को मिलती है जो इस बात को साफ साफ बयां करती हैं कि असल जिंदगी में
इश्कबाज की यानी का यानी की सुरभि चंदाना काफी ज्यादा हॉट है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह और भी एक्ट्रेस की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलू लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अब चलने की दीजिए इजाजत। बाय बाय।